हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज आप? आज मैं आपको भिंडी बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल डिफरेंट है। ये भिंडी बहुत गजब और बहुत टेस्टी बनी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। कढ़ाई को गैस पे रख के 1 टीस्पून के आसपास आपको ऑयल डालना है और गरम करना है। ये मैंने छोटा प्याज लिया है, जो छोटी छोटी सी प्याज होती है, इसका ऐसे डाइस करना है, एक में से 4 टुकड़े करने हैं और ऑयल गरम होते ही उसमें आप डाल देंगे। देखिए, हमें इतना ही ब्राउन चाहिए ऑनियन, देखिए। बस इसको अब हम कढ़ाई से रिमूव कर लेंगे। आधा किलो भिंडी लिए मैंने, ये थोड़े मैंने बड़े पीसेस में लेकर काट लिया और इसको भी उसी वाले कढ़ाई और ऑयल में हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस भिंडी को भी हमें इतना ही करना है, उतना ही हम लोग फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा देखिए चेंज कलर हो जाए, बस इतना ही चाहिए। इसको भी हम निकाल लेंगे, जैसे हमने प्याज निकाल के रखी थी वैसे ही हम भिंडी निकाल लेंगे। अब हम लेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें एक काली मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक चुटकी जीरा और 2 ये कटी हुई हरी मिर्च डालिए। साथ ही 2 प्याज है चॉप, वो भी डाल दीजिए। जब भिंडी बन जाए गाइस, तो आप ये काली मिर्च और ये निकाल सकते हैं दालचीनी का टुकड़ा। बस हमें इसमें इसकी खुशबू चाहिए। वन टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 मैंने टमाटर फाइन चॉप करके रखे हैं वो भी डाल देंगे। सूखे मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून है आपका धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून के आसपास लाल मिर्च। मसाले के साथ आप ऊपर ये भिंडी डालकर मसाले के साथ आप मिक्स कर देंगे। आप विश्वास कीजिए, अगर आप ये भिंडी खाएंगे तो आप ये सारी जो घर में भिंडी बनाते हैं वो भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसी मसालेदार भिंडी आपने कभी नहीं खाई होगी। तो प्लीज़ आप एक बार इस भिंडी को ज़रूर ट्राई करें और बताएं मुझे कि आपको कैसी लगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के द्वारा शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को देखें, ट्राई करें और मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी और आप इस रेसिपी को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद कमेंट्स करें आप। दो मिनट हम भिंडी को ढककर पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी मसालेदार भिंडी बनी है और जो इसमें प्याज का रोल था, ये देखिए बड़ी बड़ी प्याजें इसमें हैं। बहुत ही अच्छी भिंडी बनी है। आप इस तरीके से बनाइए भिंडी और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी। टेस्ट तो इसका बहुत गजब का, और ऐसी भिंडी आपने कभी नहीं कहीं नहीं खाई होगी जैसी भिंडी मैंने ये आज आपको सिखाई है। तो आप प्लीज़ मुझे शेयर करके बताएं कि भिंडी आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।